ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ, देख लीजिए किस तरीके से रात को 5 डिग्री टेम्परेचर और लगभग बज रहे हैं 2:30, यानी कि 2:30। हेलो गाइस, कैसे हो भाई लोग? दोस्तों देखिए, शाम के बज रहे हैं लगभग 6:30 और आज पूरी रात हमें खेतों में सिंचाई करनी है। अभी अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ तो आप चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ आपको खेत खलियान। देखिए सूर्यास्त लगभग लगभग हो चुका है और बाकी का होने की कगार पे है दोस्तों। चारों तरफ पहाड़ और खेत ही आपको नजर आ रहे होंगे। ये पाइपलाइंस डाली जा चुकी हैं, अब आप लोगों को आज पूरी रात बना हुआ रहना है दोस्तों। कि ये ले रखे हैं मैंने ग्लव्स, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल पैक हूँ दोस्तों, और अब हम रेडी है पूरी रात भर की सिंचाई के लिए दोस्तों। ये देखो दोस्तों, चंद्रदेव प्रकट हो चुके हैं और बस अब अपनी ड्यूटी चालू। देख लीजिए ये खड़ी अपनी गाड़ी, अब चलना है अपन को खेत की तरफ। एक बार लास्ट बार पाइपलाइन चेक करने के लिए आया था कि पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप देख सकते हैं शाम होते ही हल्का हल्का कोहरा छाने लगा है दोस्तों, स्थिति ज्यादा अच्छी भी नहीं है। आप लोग बड़ी आसानी के साथ देख रहे हैं, पूरा आर्मी मैन की तरह पैक होके अपने काम को अंजाम देना पड़ रहा है। अब देखिए दोस्तों, मैं अभी लाइन चेकिंग करने के लिए आया हूँ और अब आप देख सकते हैं किस तरीके से पाइप खुला हुआ है। अब इस पाइप को हमें सबसे पहले ठीक करना है और तब जाके पानी आगे ढंग से पहुंच पाएगा दोस्तों। तो चलिए पहले इस पाइप को ठीक करते हैं। देखिए गाइस, मेहनत रंग लाई और हमने इस जॉइंट को बंद कर दिया है। काफी सारा पानी देख सकते हैं आप, यहाँ एक दूसरे खेत में काफी सारा पानी आप अगर यहाँ देखना चाहें तो व्यर्थ बह चुका है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो खेतों में सिंचाई का काम जारी है दोस्तों। अगर मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ तो देखो सरसों के पेड़ पर किस तरीके से बर्फ जमी हुई है। देखो दोस्तों, बिल्कुल ऐसी खतरनाक वाली रात। तो छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ, देख लीजिए किस तरीके से रात को 5 डिग्री टेम्परेचर और लगभग बज रहे हैं 2:30, यानी कि 2:30। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, वरना रात को 2:30 इतनी ठंड में पानी की सिंचाई करते वक्त कौन आप लोगों के लिए वीडियो बनाता है, लेकिन मैं बना रहा हूँ। तो आप लोगों से अनुरोध है, लाइक का बटन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। ऊपर से नीचे देख सकते हो किस तरीके से पूरा पैक होके काम को अंजाम दिया जा रहा है। पैरों की हालत अगर आप लोग देखने की कोशिश करो तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए क्या हालत है पैरों की, पूरे तरीके से जूते, आप लोगों का पजामा देख लीजिए, इतनी ठंड में जब अगर पैर आपके भीग रहे हैं तो कैसी हालत हो गई अभी दोस्तों। बहुत गजब की ठंड पड़ रही है, शानदार वाली, अभी बस बर्फ जमना ही बाकी है, बाकी सारे काम हो चुके हैं। तो ये ब्लॉग आप लोगों के लिए शूट करने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि एक किसान की मेहनत आप लोगों तक पहुंचाई जाए, और बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहूंगा। आप लोगों की वीडियोस और क्लासेस बहुत जल्द रेगुलर करेंगे दोस्तों, रात की स्थिति में अगर आपको दिखाऊं तो देख लीजिए चारों तरफ सिर्फ मेरी टॉर्च की लाइट जहां तक जा रही है, ये टॉर्च है दोस्तों, इसकी लाइट सिर्फ जहां तक जा रही है वहीं तक आपको कुछ भी चीज दिखाई देगी, बस
और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी बज रहे हैं 3:30 और अभी हम पानी को शिफ्ट कर रहे हैं एक खेत से दूसरे खेत में, यानी कि एक खेत हमारा पूरा भर चुका है, पास ही दूसरा खेत है, उस दूसरे खेत के लिए पानी को शिफ्ट किया जा रहा है। आप जैसा कि देख रहे हैं इस पाइपलाइन के थ्रू, जो ये पाइपलाइन आपको नज़र आ रही है ना, इस पाइपलाइन के थ्रू उस खेत से पानी इधर शिफ्ट किया जा रहा है। दोस्तों ठंड काफ़ी और बढ़ चुकी है, गलन इतनी ज़्यादा है कि पैरों की उंगलियां पूरी तरीके से जमने की कगार पर है दोस्तों। बाकी तो आप समझ ही सकते हैं कि इस वक्त शीतलहर और ठंड की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना आम जीवन में करना पड़ रहा है। तो अभी तो रात को बज रहे हैं 3:30 और ये आप देख सकते हैं, ये आ गए हम दूसरे खेत में। यहाँ पर भी सरसों है, फॉग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है इस वक्त, कोहरा पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो चुका है दोस्तों। तो अभी मैं आपको वीडियो भी बहुत कम क्लियर में दिख पा रहा हूँ, तो ये ब्लॉग आप लोगों के लिए शूट करने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि एक किसान की मेहनत आप लोगों तक पहुँचाई जाए। तब तक के लिए गुड बाय।